दोनों भी टीमों को बता दिया जा रहा है कि हमारे बड़े भाई अनिल सिंह के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बड़े भैया राजेश सिंह ने इसको बेहद रूप दिया और सारे ग्रामवासियों का सहयोग मिला, ये आपको बताया जा रहा है। और ये जो भी टास पड़ा है दोनों टीमों के बीच, वाराणसी ये टास जीती है। अब इसके बाद सारे दर्शक सारे लोग इस खेल दोनों टीमें बहुत से प्रवेश करती है फाइनल में, तो फाइनल ज्यादा समय दिया नहीं जाएगा, बनता ही मिलती है। और इस तरह से मैं चाहूंगा सभी लाइनमैन अपने जगह पर एक्टिव हो और हमारे दोनों रेफरी महोदय भी अपने अपने स्थान पर चौबंद शायद हो गए हैं। ये सारे दर्शकों को नजारा देखने को मिल रहा है और दोनों टीमें भी आमने सामने होने जा रहे हैं, बस चंद ही लम्हों में। हमारे रेफरी महोदय सुरेंद्र पांडे जी बड़े भाई जाकर है, उसको पहले देखिए। बब्बू भैया हमारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए लिफाफा बंद करके अभी से रख लिए हैं कि जो कि आने वाले विगत वर्ष और इस तरह से खेल प्रारंभ हुआ है। पहला अंक मिला है प्रताप को, पहला अंक मिला है प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ और वाराणसी के बीच फाइनल मैच चल रहा है। प्रतापगढ़ और वाराणसी खोल करके रखा है, दोनों टीमें एक एक के साथ बराबरी में है, दोनों टीमें एक एक। अब ये हमारे रेफरी महोदय बताएंगे कि अंक मिला है कि नहीं मिला है। और इस तरह से प्रतापगढ़ का रेड रेड करते हुए वाराणसी टीम प्रतापगढ़ बहुत अच्छा क्या बात है वाह। और इसी के साथ वाराणसी का बढ़ता हुआ स्कोर 4 और प्रतापगढ़ 1। और इस तरह से 1 और 4 के बीच मैच चलता हुआ और खिलाड़ी फाउल हुआ है प्रतापगढ़ का। वाराणसी को मिला है वाराणसी 5 प्रतापगढ़ 1, वाराणसी 5 प्रतापगढ़ 1। 1 और 5 के बीच मैच चलता हुआ, बहुत अच्छा मैच चला जो कि बहुत अच्छा पीछे से रोमांचक दृश्य देखने को मिल रहा है इस फाइनल मैच में दोनों ही टीमों के बीच। और लगातार अपनी बात बनाए हुए हैं वाराणसी। वाराणसी के और प्रतापगढ़ 1, वाराणसी 6 प्रतापगढ़ 1। प्रतापगढ़ का स्कोर बढ़ता हुआ 3 और वाराणसी 6। और इस तरह वाराणसी 7 प्रतापगढ़ 3, वाराणसी 7 प्रतापगढ़ 3। हमारे सारे दर्शक फाइनल मुकाबला देख रहे हैं और जो कि वाराणसी और प्रतापगढ़ के बीच में हो रहा है। वाराणसी इसी 8, 9, 10 तक पहुंच गई है और प्रतापगढ़ 1, 2, 3 तक पहुंची है प्रतापगढ़ और 10 पे पहुंच गई है वाराणसी। और इस तरह से 3 और 10 के बीच मैच चलता है, बहुत बड़ा मैच चल रहा है। वाराणसी 11 पे पहुंच गई है और प्रतापगढ़ अपने वही पुराने स्कोर 3 पे
टाइम है दो ही टीमों के बीच अपना सर्वश्रेष्ठ कर गुजर जाने का, ये जो दौर चल रहा है दोनों ही टीम ये सोच रहे हैं और कर दिखाने का साहस कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ तुम या सर्वश्रेष्ठ मैं, यही मैच चल रहा है दो टीमों के बीच। एक सौ पर ताज बनता है प्रतापगढ़ के खिलाड़ियों के ऊपर या बनारस के खिलाड़ियों के सर पर, मैच चलता हुआ बहुत बड़ा मैच। ये देखिए खिलाड़ी बनारस का रेड करते हुए आए, इस तरह से एक अंक अपने खाते में और अर्जित किया है और है 12 अंक के साथ संघर्ष कर रही है प्रतापगढ़ कहीं ना को से पीछे चल रही है प्रतापगढ़ की टीम बहुत, और एक अंक अपने खाते में जोड़ दिया सर बनारस। लेकिन देखिए किसी का मोहताज नहीं रहता, कौन पल किसका था और कौन पल किसका हो जाएगा ये समय बताएगा। आज वाराणसी हावी है कि कल प्रतापगढ़ हावी होगा, ये समय ही वाराणसी 13 और प्रतापगढ़ 4, प्रतापगढ़ 4 वाराणसी 13, 13-4 के बीच में चलता हुआ। ये देखिए लंबे सितारे बन के किनारे और एक पॉइंट अपने खाते में अर्जित किया है अंक बना करके रखा, और प्रतापगढ़ 5 वाराणसी 13, 13 और 5 के बीच में मुकाबला चल रहा है वाराणसी 13 प्रतापगढ़ 5, 13-5 में दोनों ही टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है और सारे बच्चे अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं दोनों टीमों के लिए। और टाइम आउट का समय लिया गया, टाइम आउट का समय दिया, ये दो टीमों का स्कोर है वाराणसी 13 प्रतापगढ़ 5, प्रतापगढ़ 5 वाराणसी 13, 5-13 एक मैच चलता हुआ। भैया चुनाव वाले आप तुरंत अपना काम कर दीजिए, रेफरी का और खिलाड़ी बिल्कुल रेड है और प्रतापगढ़ का रेडर रेड हुए अंक की तलाश में, ड्रोन का कैमरा भी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर से गुजरता हुआ सरकार के द्वारा स्पेशल व्यवस्था की गई है, ड्रोन का कैमरा लगाया गया है, कैसे रूप लेकर के देख लिया जाए ड्रोन का कैमरा है किस पिच के ऊपर लहराता हुआ। इसी अंक लगातार अपनी बढ़त बढ़ाए हुए हैं 16 और 5 वाराणसी 16 प्रतापगढ़ 5, यही अंक दोनों टीमों के बीच में बना हुआ है अभी अभी। प्रतापगढ़ का प्लेयर वाराणसी में संघर्ष निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि अपने टीम को मजबूती दिया जा सके। फिलहाल उनको पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए गए लेकिन उनके मंजिल तक शानदार कामयाबी के साथ पहुंचे और अब पॉइंट पे
प्रतापगढ़ दोनों की संख्या है 6, यानी कुल मिलाकर के बनारस का दबदबा उसका और ये सब के सामने है और देख रहे हैं लोग के मजबूती को अंदाजा लगा रहे हैं। फिर से एक अच्छी कोशिश इस खिलाड़ी के द्वारा पॉइंट प्राप्त करने की, क्या ये अंक प्राप्त कर पाएंगे देखना होगा। ठीक आएंगे तरफ के फिलहाल अभी भी इंतजार है पॉइंट के इस खिलाड़ी को। अकेले पकड़ना मुश्किल होता है कहा जाता है, आपको सामूहिक प्रयास करना चाहिए था उनको पकड़ने के लिए, लेकिन आप ऐसा कर पाने से चूक गए और नतीजा आपके विपक्ष में रहा, आपके अपोजिट रहा, विपक्षी टीम को यह पॉइंट मिल गया। और ये देखिए पूरे विश्वास के साथ उंगली उठाते हुए आगे जा रहे हैं, 24 पॉइंट हुआ बनारस का। प्रतापगढ़ अंकों की संख्या से बहुत ही जबरदस्त अपने काम को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र पांडे जी, जो काबिले तारीफ है। और मैं अपने स्कोरर को भी बधाई देना चाहूंगा जो लगातार निरंतर यहाँ पर बने हुए हैं, चतुर्वेदी जी, ये काबिले चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अरविंद पांडे जी और साथ ही साथ दीपक सिंह जी, और इसी बीच यहाँ पर हाथ को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करके सफलता प्राप्त कर लिया 3 पॉइंट के साथ 2 अंकों पर पहुंचा प्रतापगढ़ अंकों की संख्या जा पहुंचा 10, बनारस अंकों की संख्या इस समय है 24, प्रतापगढ़ 10 वाराणसी 24। ये देखिए क्या छलांग लगाई है एक जगह से दूसरी जगह पे, जबरदस्त छलांग, जबरदस्त जंप स्किप किया है। अब 25 वाराणसी 25 और प्रतापगढ़ 10, वाराणसी समय 10 25। और वहीं पर अगर बात करें प्रतापगढ़ तो स्थिति काफी इस समय नाजुक है विपक्षी टीम के सामने, अगली कोशिश यहां पर पकड़ने की जा रही है, लगातार कोशिश किया रहा, फाइनल का ये मुकाबला चल रहा है, उसी भी तेजी के साथ भाग करके आए हैं। और इसके साथ ही प्रतापगढ़ का पॉइंट अब भी 10 पे टिका हुआ है और 25 पॉइंट है इस समय बनारस का। बनारस का ये खिलाड़ी तैयार, बनारस की ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पिछले मैच में कई टीमों को पटखनी दिया था, और इसी बीच इस बार तो कमाल करते हुए शानदार। कहा जाता है अगर गलती के एहसास इंसान को हो जाए फिर कोई दिक्कत, इसी बीच यहाँ पर पाप कर लिया गया, अब उनका भाग पाना निकल पाना मुश्किल होगा। और इसी 11 प्रतापगढ़ 11 बनारस इस समय है 27, तो एक बड़ा अंतर है दोनों ही टीमों के बीच में। फाइनल का ये मुकाबला जारी है, दो जनपदों के बीच कड़ा मुकाबला चलता हुआ, अच्छी कोशिश यहाँ पे जारी इस खिलाड़ी के द्वारा, क्या अंक ले पाएगा, क्या जंप है, क्या कमाल है, क्या एक्टिविटी है इस खिलाड़ी के अंदर, वापस अपनी जगह पे जाता हुआ। 28 बनारस 11 प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को अगर ये मुकाबला जीतना है ज्यादा प्रयास करना होगा एक और अंक लेने में। 28 बनारस, बनारस प्रतापगढ़ के बीच होता हुआ ये मुकाबला, जिसमें बनारस काफी लीडिंग एज पे है, बहुत बनाई हुई टीम है, और इसी बीच तमाम कोशिशें भी नाकाम रही, हर संभव प्रयास किया था मंजिल तक पहुंचने में लेकिन नाकाम। प्रतापगढ़ और बनारस का पॉइंट इस समय है 28 यानी 28, वाराणसी 28 और 16, अब भी एक बड़ा अंतर है दोनों ही टीमों के बीच। ये देखिए खुल करके पैर खाते थे, हालांकि करके आजादी नहीं मिल पाई, लेकिन जरूर उन्होंने सफलता की तरफ रेड के तैयार। और ये देखिए किस तरीके से दांव पेच देकर अपने मन रेफरी साहब तैयार है, पॉइंट इस समय आप देख सकते हैं 30, और वहीं पर प्रतापगढ़ का पॉइंट 17 है, तो ये है दोनों टीमों का पॉइंट लेखा जोखा। वापिस आए जगह पे बने हुए हैं जब से मैच प्रारंभ हुआ है और अब तक बरकरार है इनका जज्बा इस कबड्डी टूर्नामेंट में, बधाई के पात्र हैं रियोम उपाध्याय। और फिर से ये कोशिश 117 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा जिनका नाम है विपिन, अच्छी कोशिश, अच्छी आवाज, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है बीच में, कोई जल्दबाजी नहीं है खिलाड़ी को रेड करते हुए। नजर पॉइंट पे करें तो बनारस का पॉइंट अब भी 31 पे है और प्रतापगढ़ का पॉइंट 17 पे है, अंतर है अब भी पॉइंट में, वापसी करना कठिन कार्य है इस समय, हरकुलियन टास्क या टफ वर्क है
लेकिन ना घूम के नहीं है। और ये देखिए किस तरीके से पॉइंट मिल गया है बनारस का, वो है 33। आपके यहाँ हुआ था जब मैं कमेंट्री करने गया था, वही जगह है ना पास वाला गाँव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भूलेला यादव जी। सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि प्रतापगढ़ की टीम इस समय अंकों के मामले में पीछे है बनारस के साथ खेलते हुए फाइनल में, ऐसा क्या सुझाव देंगे जिससे वापसी कर सके प्रतापगढ़ की टीम बनारस के सामने? अपना कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे खिलाड़ी और ले जाएगा फाइनल, यानी अभी उम्मीद के चांसेस हैं कि वापसी कर सकती है टीम? हाँ कर सकती है, कोई नहीं है खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कमेंटेटर महोदय जी, आप अभी अभी जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे गुल्ला यादव बड़े भाई उर्फ राकेश यादव सपा नेता, हमारे ग्राम से ग्राम प्रधानी भी 4-5 बार लड़ चुके हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत प्यार सम्मान और सहयोग उनका हम लोगों के पास, तो क्राउड पर जाता है ये तो दुर्भाग्य रहा है, लेकिन हमेशा वो भैया अनिल भैया के बहुत ही परम मित्र छोटे भाई रहे हैं और इस गाँव के हमेशा प्यारे लाडले रहे हैं हमारे राकेश यादव भी ले जाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जो गिरता है वही उठता है, आप प्रयास करते रहे। और अब बनारस का पॉइंट जा पहुंचा है सीधा 35 पर और 17 पॉइंट पे टिका हुआ है प्रतापगढ़ का पॉइंट। दूसरे टाइम यानी दूसरे बोला का समय प्रारंभ होता है समाप्त होने के बाद के साथ तैयार। और जो अंक बोर्ड पे अंक अंकित है उसमें वाराणसी 36 और प्रतापगढ़ 17 दोनों टीमों के बीच में ये अंतराल बना हुआ है, वाराणसी 36 प्रतापगढ़ 17। और ये देखिए सीधा प्रयास किया और मुस्कुरा रहे हैं हमारे बीच में साइन। और अब पॉइंट बनारस का जा पहुंचा सीधा 19 और 36 पॉइंट है बनारस का। एक और कोशिश से बनारस के नौजवान लगातार मजबूत इरादे के साथ पैदा, ये देखिए अच्छी कोशिश की गई, बढ़िया प्रयास किया गया खिलाड़ी को पकड़ा, आगे बढ़कर स्कोर जा पहुंचा 37 बनारस का, प्रतापगढ़ का पॉइंट 19 है। ये देखिए गलती मान लिया कि मेरी गलती है, आंखें बंद का पॉइंट 19 ही है प्रतापगढ़ का और वहीं पर 38 पॉइंट हो चुका है बनारस का। इसे प्रतापगढ़ के जाने माने खिलाड़ी हैं और ये कामयाब हो गए हैं अंक प्राप्त मात्र 12 मिनट के समय। और अब चाहिए प्रतापगढ़ को कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके कुछ कमाल करे मैदान पे। अगर विजेता बनना चाहती है टीम तो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शानदार कामयाबी का झंडा लहराने का काम करे प्रतापगढ़ की टीम इस वक्त पे। फिर से तैयार प्रतापगढ़ के खिलाड़ी, अच्छी कोशिश यहाँ पे है। और ये वापिस टिकी हुई एक और रेड के साथ तैयार, ये खिलाड़ी जो निश्चित तौर पे अच्छा प्रदर्शन कर रही है टीम बनारस की। वर्तमान समय में जो सरकार है उसमें भी हमारे जिले के मंत्री हैं गिरीश यादव जी और प्रतापगढ़ के जो टीम खेल रहे हैं वहां के मंत्री जी हैं मोती सिंह जी। और ये देखिए हाथ जमीन पर ये सब लेने में कामयाब, इसमें ये 2 पॉइंट के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 43 यानी 43 और 20 पॉइंट पर ही टिकी है प्रतापगढ़। पॉइंट भी मिला है एक और मैच में पता है। टाइम लगातार घटता जा रहा है, 10 मिनट 30 सेकंड शेष है, अब 10 मिनट ही बाकी रह गया। और ये देखिए खेलते हुए चले आए अपने मंजिल तक, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और बहुत ही ज्यादा इतना अंक बना रहे हैं चतुर्वेदी जी, बहुत ज्यादा अंक जोड़ चुके हैं अब तक 46 और 20 कर पाए यहाँ पे प्रतापगढ़ की टीम 21 प्रतापगढ़ 21 और लगभग जीत वाराणसी, जीत की खुशबू फिजाओं में है, हवाओं में है बनारस के लिए, बिल्कुल विन विन सिचुएशन इस समय है बनारस के लिए। कहा जाता है अनिश्चितताओं का होता है तो कब हारने वाली टीम जीत, जिस तरीके से हावी हो चुकी है बनारस की टीम प्रतापगढ़ टीम के ऊपर फाइनल के मुकाबले में, बहुत बड़ी टूर्नामेंट खेला जा रहा है 47-20 यही अंतराल है दोनों टीमों के बीच में। ये तो
और कोशिश यहाँ पे बोनस है रे यार बोनस है। इस तरीके से खिलाड़ी उत्तेजित हो जाते हैं कि कभी कभी ख्याल ही नहीं रह जाता कि हम किससे बात करते हैं। और अब पॉइंट प्रतापगढ़ का जा पहुंचा 21 यानी 21 और बनारस का एक लंबा फासला के साथ 47 47। अगर बना दो पॉइंट और बना ले तो 50 पॉइंट पूरा हो जाएगा और आज के दिन में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम बन जाएगी भाई ग्रुप में बनारस। प्राप्त कर पाती है पकड़ लिया बनारस की पकड़ बेहद है 22 22। चलिए ये पॉइंट हो गया 51 बनारस का पॉइंट हो गया 51 यानी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई बनारस की। सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने का रिकॉर्ड बना दिया है बनारस ने भाई बोर्ड पे 51 पॉइंट प्राप्त कर लिया है बनारस ने। और आप देख सकते हैं ये खेला जाने वाला फाइनल के मुकाबले में बन गई वो विजेता